ये दियाना ये तीनों की स्टूडेंट रहे और बहुत शानदार पढ़ने में भी और अरे आगे दिया उठ के दिया एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्टेड है। तो मैं एक बार चाहता हूँ यार एक बार ताली अच्छे से बजना चाहिए। आप लोग ये चाहते हो या नहीं चाहते हो कि आपको भी ऐसे एक अवसर मिले यहाँ पर मिले? तो देखो जो भी से सिलेक्टेड होकर आता है और जो देश की सेवा करता है उसका स्वागत मैं खुद ही करता हूँ। तो मैं भी अपने आप को थोड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इनका मेरे को स्वागत करने का अवसर मिला है। तो एक बार ताली आप लोग बजाओ। और मैं अभी आपकी इनसे बात भी कराऊंगा। मैं ये जो मैंने मेरे जीवन में कमाया वो यहाँ पर खड़ा है साथियों। माला धोए ना तीन बोले थे ना अभी धोए ना है और धोए ना चलो ये एडजस्टमेंट है इसी को बोलते हैं थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं। तो आप सभी को पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि हम लोग सीसीटीवी में ट्रेनिंग को लगभग एक डेढ़ साल हो गए डेढ़ साल हो गया है अपनी नौकरी करते करते। तो आज ही हमारे बीच यहाँ पर आए तो मैंने स्पेशल आपकी देखने हूँ। आप लोग भी जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आपको भी वो मोटिवेशन मिलता रहे कि यार हमें भी ऐसा बनना है। देखो कि स्टेट का फैसला हो सकता है यहाँ से दो कदम दूर हो बल्कि दो कदम के लिए इन्होंने कितनी मेहनत करी आप अगर इनसे पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और स्टूडियो में ले जाकर मैं इनसे बुलवा वो काम मैंने नहीं किया है इसलिए मैं सीधा इनको यहीं पर लेकर आया। और मदन बहुत अच्छा बोलता भी है। और पिछली बार क्या हुआ था एमपी पुलिस की मेरिट लिस्ट से बाहर हुए थे ये लोग तो इनको खुन्नस भी है ना। ये ऐसा नहीं कि एक एग्जाम के लिए बैठे एमपी पुलिस के लिए भी क्वालिफाई हुए थे और मेरिट में एक आध नंबर से एक नंबर से रुका था तेरा पॉइंट वन से रुका एक नंबर के आसपास से रुके हैं। तो वो स्टूडेंट है कि जो एक बार हारने के बाद फिर से जीतने का जज्बा रखते हैं वो हमारे बीच आए हो। तो मैं चाहता हूँ कि कम शब्दों में पर जो भी इनको बात रखना है बात रखो। आपके मन में जो प्रश्न रहेगा कि ड्यूटी कैसी रहती है कैसा लगता है वहाँ पर ये सारी की सारी हम यहाँ पे चर्चा करें ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मदन आप इनको मार्गदर्शित करो क्योंकि ये भी उन चीज़ों की तैयारी करें कहाँ रहने वाले आप क्षेत्र के आसपास के हैं और वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। और कुछ तो इनके सहपाठी बैठे भी होंगे कुछ पहचानते हो नहीं पहचानते हो कितने लोग पहचानते हैं इनको? तो ये कुछ पहचानते हैं और कुछ नहीं पहचानते वो भी पहचान जाएंगे। अच्छा पहचानते हैं। मैं चाहता हूँ मदन यहाँ पे बात करके जय साथियों। आप सब मुझे जानते होंगे और ऐसे कुछ नहीं जानते मेरा नाम मदन पुरी जिले के टाटा में रहने वाला हूँ। दिवंतु लेकेट में मैं हमारा काफ़ी मतलब सालों से लगाव रहा है और जैसा कि आप जानते हैं गोपाल सर ने हमें शुरू में कोचिंग दी थी हम पढ़ने आते थे यहाँ पे और मैंने पूरी पूरा सिलेबस का कोर्स लिया था स्टार्टिंग में। तो उससे उस टाइम कॉन्स्टेबल का वैकेंसी निकला था उस टाइम हमने सिलेक्शन लिया था लेकिन वो क्या है किस्मत की बात होती है जो मिलना कोई बात नहीं। तो मैं जानता हूँ कि जो भी यहाँ बैठे हैं सर एसएससी का बैठे तो मैं अपने बारे में तो ज़्यादा नहीं बताऊँगा लेकिन आप चाहते हो कि जहाँ आप जाना चाहते हो उसके बारे में आपको जानने की वो लगता है उर्दू की वहाँ का ड्यूटी कैसा होता है मतलब एरिया क्या होता है क्या पे रहता होगा या सुविधा कितनी रहती है इसके बारे में मैं ज़्यादा बताऊँगा। और अपने जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा कि समझ में आएंगे समझ ही रहोगे कि सर ने हमको कैसा पढ़ाया होगा हमने किस तरह से मेहनत करी। तो सर बोलते थे ना कि जहाँ आप यहाँ पढ़ते हो वो सभी पढ़ते हैं लेकिन जो 10x10 की मेहनत होती है ना वही रंग लाएगी आप। तो हमारे साथी भी ये भी बोलेंगे क्योंकि मैं इनको भी मौका दूंगा। सर ने बोला कि मैं अच्छा बोलता लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सर ने अभी हाथ खड़ा करवाया था कि मुझे कितने लोग जानते हैं तो मैं ये नहीं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे सभी हाथ खड़े क्योंकि जो मुझे जानते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होंगे इसलिए जो भी आए हैं नए लोग आए होंगे तो जितने भी काम हाथ टूटे ना मेरे लिए कि यहाँ मुझे कितने लोग जानते हैं तो मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ से सिलेक्शन लेके चले गए होंगे मेरे वहाँ और किसी का क्वेश्चन हो तो मैं बताऊँगा। मैंने बोला था ये बहुत बोलता
जय सालियों, मेरा नाम है विजय मंडलोई, इसी तहसील के आली गांव का रहने वाला हूँ। देखा है आली बेटा, नीचे सुना तो होगा, आज इसे तो सुना ही होगा, इसे बनावा। जैसे आप लोग यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन की अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमने तो करके पहुंचे। हम चाहते हैं कि आप और अच्छा करने की कोशिश करें, जरूरी नहीं कि जीडी में आना जरूरी नहीं है, कुछ अच्छी वाली वैकेंसी देखिए। ऐसे तो कोई विषय का नहीं, बताता हूँ कि ट्रेनिंग टाइम रहता है सबसे शुरू में ज्वाइन करने के पहले, तो 44 वीक की ट्रेनिंग होती है। आपको लगेगा फर्स्ट दिन की बहुत अच्छा है, मजा आएगा ट्रेनिंग में, नहीं ऐसा नहीं है, मजा आएगा, लेकिन आपको मजा तब मिलेगा जब आप वो लास्ट दिन जब पीओपी होता है ना, उस टाइम पता चलेगा कि आज ये दिन और चले, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको कुछ भी सोचने का मौका नहीं मिलेगा। हम सोचते थे, गोपाल सर बोले कि बेटा कॉन्स्टेबल बन के नहीं रहना, हम सोचते थे कि नहीं वहां रहेंगे पढ़ेंगे ट्रेनिंग टाइम, बुक लेके लेके खोलने का मौका तक नहीं मिला। वो टाइम ऐसा था कि हम बुक खोल के देखना भी नहीं चाहते थे, हम वो बस 9 महीने बस ट्रेनिंग में मजे लेना चाहते थे कि चलो 9 महीने बाद फिर पढ़ेंगे। तो जैसे ट्रेनिंग कम्प्लीट हुई हमारी बेंगलोर में, जो एक साथ थे बेस में, और भी दोस्त है लोग छुट्टी नहीं आए अभी, हम इस वजह से कि हम हर बार साथ में आते और हर बार साथ नहीं जाते, और तीनों हम तो एक ही बटालियन से, उसका बटालियन चेंज है। और ट्रेनिंग के दौरान हमने काफी अच्छा मेडल भी लिया, मैंने ओवरऑल फर्स्ट और शूटिंग का फर्स्ट गोल्ड मेडल लिया है। और हमने अभी मैंने देखते होंगे यहाँ रनिंग कैसे होती थी, लेकिन सबसे टॉप बंदा ये था एफपीटी में, पूरी एफपीटी में हमारे यहाँ बंदा था जो एफपीटी कॉम्पिटिशन जितवाया था हमारी कंपनी को, ग्रेट मंडल एफपीटी में। और अभी हम मेघालय में है तीनों, हमारी बटालियन चेंज है, फिर और हम एक साथ ही है एक ही कंपनी में, हमारे बेल्ट भी साथ में है। और अभी तो बस यहाँ पे कोचिंग तो साथ में थे ही थे, लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं थे, फिजिकल देने गए तब भी हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। जब ये मेरे पीछे रनिंग करते हुए आया, मैं देखा यार ये तो अपने कोचिंग का बंदा है, फिर मेरे से पूछा कोई थकावट तो नहीं है, ये बोल रहा नहीं है, फिर चल मेरे साथ, मैं आगे इसको भी साथ में ले गया, हमारा फिजिकल साथ में, मेडिकल हमने साथ में दिया, पोस्टिंग हमारी एक ही जगह, ट्रेनिंग हमारे साथ में हुई बेंगलोर में, एक ही प्लाटून सीनियर था कोच, ये मेरा सीनियर था, ये सीट तक चलती मेरी थी वहां पे, साठ बंदे होते हैं, साठ बंदे के एक प्लाटून, उस प्लाटून में सीनियर लगाए जाते हैं, तो वो पता है कि इस हिसाब से लगाते हैं बंदे की क्वालिटी देखते हैं, वहाँ पे कौन सी क्वालिटी में कौन सी क्वालिटी रखा है, जो मतलब जिसका भी अच्छा है।